नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए सबसे पहले देखते हैं 15 सेकंड में खबर। यूएन में पीएम मोदी का योग, कहा खूबसूरत शहर में हम योग दिवस पर साथ आए हैं, योगा कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। योग दिवस पर पीएम मोदी का संदेश, कहा योगा का मतलब जोड़ना, योग हमें मानसिक रूप से करता है मजबूत। साजिद मीर को आतंकी घोषित करने की राह में चीन बना अड़ंगा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया मुद्दा। यूनाइटेड नेशन में भारत ने कहा 26 ग्यारह के पीड़ितों को अभी भी नहीं मिला न्याय। पंजाब के लुधियाना में फूड पॉइजनिंग से 10 लड़कियों की हालत बिगड़ी, इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश से पंजाब घूमने गई थी सभी। फर्जी कोविड सेंटर मामले में ईडी की मुंबई में कई जगह छापेमारी, संजय राउत और आदित्य ठाकरे के करीबियों के घर। भारत ने जीता पहला इमर्जिंग विमेंस एशिया कप, फाइनल में बांग्लादेश ए को 31 रन से हराकर ट्रॉफी पर किया कब्जा, कनिका आहूजा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। विराट कोहली के टेस्ट में पूरे हुए 12 साल, 20 जून 2011 को वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था टेस्ट में आगाज। टेस्ट की ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप पर जडेजा, दूसरे पर आर अश्विन, चौथे पायदान पर अक्षर पटेल। वर्ल्ड कप के दो वेन्यू बदलवाने की पाकिस्तान की मांग खारिज, आईसीसी और बीसीसीआई ने खारिज की मांग। सिंगर हनी सिंह को मिली जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर गोल्डी बराड ने दी जान से मारने की धमकी, हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में की शिकायत। आदि पुरुष फिल्म के मेकर्स ने बदले विवादित डायलॉग्स, फिल्म रिलीज के बाद से ही हो रहा था विवाद, मेकर्स ने बदल दिए डायलॉग्स। भोपाल में नरोत्तम मिश्रा ने जेल के अधिकारी कर्मचारियों और कैदियों के साथ किया योग, कहा भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में एक बड़ा कदम, मन की शांति के लिए योग आवश्यक। बुरहानपुर में वैवाहिक बंधन में बंधे 471 जोड़े, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हुई शादी, नौ मुस्लिम जोड़ों का भी कराया गया निकाह। भोपाल के हमीदिया अस्पताल की मर्चुरी में रखे शव को चूहों ने कुतरा, मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश, मॉड्यूलर मर्चुरी बनाने के निर्देश जारी। लव जिहाद पर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का बड़ा बयान, शंकराचार्य ने लव जिहाद को बताया षड्यंत्र, समान नागरिक संहिता का किया समर्थन। 5 दिन के अज्ञातवास के बाद बागेश्वर धाम लौटे धीरेन्द्र शास्त्री, डॉक्टर शास्त्री ने कहा हमने जीवन में एक सूत्र सीखा, जब तालियां बजती हैं तो गालियां भी मिलती हैं। शिवरंजनी तिवारी के बदले स्वर, कहा यात्रा का शादी से नहीं है कोई संबंध, मैंने कभी नहीं की शादी की बात। सत्ता में राजस्व अमले का कमाल, एक दिन में सर्वाधिक सीमांकन का रिकॉर्ड, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक सीमांकन का रिकॉर्ड। मुरैना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, 77 लोगों पर एफआईआर, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से बने थे शिक्षक। अमित शाह के दौरे की तैयारियों में जुटी पंडवानी गायिका उषा बाडले, उषा बाडले के घर आएंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कल दुर्ग दौरे पर रहेंगे। मिशन छत्तीसगढ़ पर कल दोपहर रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह, दुर्ग में पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर आयोजित हो रहा कार्यक्रम, पंडवानी गायिका उषा बाडले के घर भी पहुंचेंगे। सीएम के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का पलटवार, कहा अमित शाह के दौरे से घबराई कांग्रेस, मील का पत्थर साबित होगा दौरा। मनोज मंत्रशर के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना, कहा वो कहते हैं हनुमान भगवान नहीं, बीजेपी के लोग क्यों नहीं कर रहे विरोध। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव, प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला को रायपुर की जिम्मेदारी, रवि घोष संभालेंगे बस्तर के कमान, अरुण सिसोदिया को संगठन और प्रशासन का प्रभार। बस्तर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर स्टाफ नर्स, स्ट्राइक से मरीजों की बढ़ी परेशानी, जूनियर डॉक्टर्स का भी समर्थन। बीजापुर में नक्सली ने की बीजेपी नेता की हत्या, एमईडी गांव में घर के बाहर घेर कर उतारा मौत के घाट, शव के ऊपर छोड़ा पर्चा।